दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वक्त हम आ चुके हैं जौनपुर जनपद सिकरारा बाजार से गणेशपुर गांव में। तो गणेश, हम आपको बताएं दोस्तों, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक चीज़ वायरल चल रही है, जैसे कि पेड़ में माताजी निकली हुई है। तो यहां पे काफ़ी मीडिया वाले और बहुत दूर दूर से लोग यहां पर आ रहे हैं ये चीज़ को देखने के लिए कि सच में यहां पर माताजी निकली हुई है पेड़ में। सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी भीड़ रहती है और दूर दूर से लोग आते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो माताजी, लोग यहाँ पर कह रहे हैं माताजी पेड़ में निकली हुई हैं, तो वो हम आपको दिखाते हैं क्या है हकीकत क्या नहीं है, तो लोग से भी बातचीत करेंगे। तो वीडियो में आप बने रहें। तो जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर नया चौतरा बनाया गया है, इससे पहले चौतरा यहाँ पर नहीं बना था। तो चलिए हम आपको माता रानी यहाँ पर इस पेड़ में आई हुई हैं, तो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये माता रानी इस पेड़ में हैं, नीम का पेड़ है दोस्तों, नीम के पेड़ में देख सकते हैं माता रानी को। और ये देख सकते हैं ये पूरा चौतरा है। तो यहाँ पर एक बुजुर्ग दादी जी हैं और उनसे आपसे बात कराते हैं, तो उनसे कुछ पूछताछ करते हैं यहाँ पे माता रानी कब से आई हैं, कब से आई, कितने दिन हुआ, क्या हकीकत है क्या नहीं। तो दादी जी यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस वक्त शाम का समय है, थोड़ा हम यहाँ पे लेट पहुँचे, तो यहाँ पे भीड़ भाड़ पहले इकट्ठा थी, लोग यहाँ पर आते जाते हैं और काफ़ी भीड़ यहाँ पर लगा रहता है, पब्लिक यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। तो यहाँ पर मीडिया वाले भी बहुत आ रहे हैं और बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो चलिए हम दादी जी से आपसे कुछ बातचीत कराते हैं। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक दादी जी मौजूद हैं। तो माता रानी पेड़ में आए हुए हैं, तो माता रानी पेड़ में कब से आई हुई हैं, तो इसके बारे में दादी जी से हम पूछते हैं, कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो दादी जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। तो दादी जी ये बताइए कि ये माता रानी जी जो पेड़ में आई हुई हैं कब से आई हुई हैं? 20 तारीख माया पता ना छाया मावा कही एक बार बस जी जी नीचे नीचे काम कर मनाइया अपन डगर ना पता ना ऊपर का करे निया पहुँचे। तो 20 तारीख के हमें सबके जन्मा भाई। अच्छा अच्छा, हाँ। तो आपके कहने मतलब है 20 तारीख से आपको लगा माता जी यहाँ पर पेड़ में आई हुई हैं। मैं कौन सा कोई जैसे घर में कौन से सदस्य थे जो कि उस वक्त पता चला, किस तरह से पता चला? हमारे नाती दामदा आए थे। अच्छा, है ना? आपके दामाद जी आए थे? नातिनिया का गवाह। अच्छा, आपके नाती दामदा। अच्छा, नाती के दामदा। हाँ, बेटवा के दामाद आए थे। अच्छा, बेटवा के दामाद आए हुए थे। हाँ, तो हमारे नाती दामदा लगे हैं जी। हाँ, तो वो उनका 2 दिन आए भा रहा है ना। अब भियान जाइए अपने घर तो यार जाना खटिया रसाई के वही सीढ़ी के लगे वो लगा रहा। अच्छा अच्छा, नीचे जहाँ पे माता रानी जी आई हुई पेड़ के पास। हाँ, ए, अच्छा, नीम के पेड़ के पास। हाँ, थोड़ा से इसी हाँ, तरह। हाँ, एहराई। अच्छा अच्छा, हाँ, जी जी। तो भिनचहरा रात में सपना देखे। अच्छा, सपना देखे। हाँ, रात में। रात में लगभग। हाँ, टाइम भी बताए हैं क्या टाइम था उस समय? भिनचहरी रात देखे। अच्छा, वो मतलब सुबह का समय जो होता। हाँ, है रात में 4 बजे 3 बजे देखे। अच्छा, सुबह के 2-3 बजे। अपना लोटा के जल एक ही फूल लाई के ऐसे नहाई के ऐसे लेके कहा जब था ये हम जल दे ना सपने में। अच्छा अच्छा, तो ये जो साइटे का जेवा है। अच्छा अच्छा, साइट का जो पॉकेट होता है। हाँ जी जी, वही में जाना जल बन कर रुक गया है। क्या क्या रुक गया? एहमन। अच्छा, हाँ ऐसे जब अड़ूक गया ना। अच्छा, कुछ भारी लगने लगा, पॉकेट भारी लगने लगा। हाँ, अड़ू की जैसे लोटवा ही हुई। अच्छा, लोटा रुक रुक गया। हाँ, उसी गया। अच्छा अच्छा, तो जल गिरे लागे। अच्छा, जल तब उनका आँख गई पुट से खुल। जी जी, उनका आँख खुल गई जी। तो कहा था अपने मन में
कैसन हमारी माई कैसन सपना हम देखा था ये जी, सपना देखे जी इंसान चौक जाएगा कि ऐसा कैसा सपना हम देख रहे हैं, क्या बात है ऐसा। और सपने में लोटा यहाँ पे रुक जाता है, उसके बाद जो उसके अंदर जल रहता है वो गिर जाता है, गिरने लगता है, थोड़ा थोड़ा गिर जाता है, थोड़ा थोड़ा गिर रहा है। तब वो सवेरे उठन है तब चाह पानी गई के फिर देखे ना तो उनका निया है वही पैसे क्या है। अच्छा अच्छा एकदम माता रानी जी इस पेड़ में आई हुई है, नीम के पेड़ में, तो वहाँ पे उनकी निगाह पहुँच गई। हाँ पहुँच गया तो तब वो अपने सासू को बुलाए हैं, पतोहू हमारे अच्छा अच्छा बुलाए हैं, तो कहा था बूढ़ा यहाँ आवा जी, बूढ़ा गई हैं तो बूढ़ा देखी हैं तो कहा था बेटवा हमारे समझे जी जी। तब पतोहिया हमार हमें बुलाए थी है, हम गए जेठानी पतो हैं हमारे नाई हैं। अच्छा अच्छा तो हमें बुलाए हैं तो हम गए हैं तो हम कहें देखा वाह देखे, हम कहे हम कुछ नाम न धरब हमें शंका दूसर दिखात रहा। अच्छा अच्छा हम दो एक जने से मतलब आप यकीन नहीं कर पा रही थी कि देवी जी आई हुई हैं पेड़ में, आप यकीन आपको नहीं हो रहा था। हाँ हमें शंका दूसर जनान, हम कहे हम कुछ कहा न, हम सेवा किया जब बुलाओ तो पूरा पता हमें। अच्छा अच्छा तब करे भियान भाई हम सेवा किया बुलाए, सेवा किया ऊपर हो गए। अच्छा। सेवा किया कुल भाई बताए तो सेवा किया चार दाना चावल लेन है चावल तो बैठे हैं बिचारे लागे तो सेवा किया कहा था नहीं नारकी के संगे घरे तो का करे यार इनका जूठही हम नाऊ है जूठही जात ये है चार घरे के भावरा बिना मांगे खाए इनका चले न सवेरे से निकल जाइ हैं सात तक पता नहीं कब आई है कब नौका जल दे है कहीं कुछ भी हो रे जब जल दे है तभी हम जल पाओ। लेकिन हम एक संकट देख के आई है भले गरीब बा लेकिन आत्मा का साफ, आत्मा के साथ साफ रहना चाहिए। इंसान गरीब हो उस या अमीर हो उससे नहीं मतलब है, आत्मा साफ होनी चाहिए। दिल इन्हन का साफ बा जी जी, इन्हन के छल नाई ना जी जी, इन्हन बहुत संकट में बाटेन बहुत संकट काटेन और संकट में बाटेन इन्हन के बहुत तो तकलीफ बहुत दुख बा, इन्हन का हम संकट दूर करेंगे। हम छप्पर फार के आए हैं बिन्हा चल के देवी है ये शीतला माई है। हाँ ये तो जिनके ऊपर मतलब वो सवार हुई थी हा? तो जो उनके ऊपर जो सवार हुई थी तो उन्होंने ये बात मतलब कही हा? आपके कहने मतलब ये है कि हम बिन्हा चल शीतला तब मावा बोली जी कि बिन्हा चल के देवी रे बिन्हा चल के शीतला माई है हम बिन्हा चल के देवी छप्पर फार के आए है यहाँ का संकट काटा जी। तो जो जिनके ऊपर सवारी आई थी जो माता जी के ऊपर सवारी आई थी वो यहाँ पे हमारे बीच मौजूद नहीं दिखाई नहीं पड़ी, कहाँ पे है वो के? जिनके ऊपर सवारी आई थी अच्छा इतनी समय नहीं आ पाएंगे, शाम का समय है दोस्तों आप देख सकते हैं शाम का समय है, हम लोग लेट हो गए काफी लेट हो गए यहाँ पहुँचने में। अजय सेवा किया आई है भैया वो अपन बचारा कहा लगे हैं उन्हें ऊपर आई जे सेवा किए आई है देवी की सेवा किया जे आई है मावा का उन्हें ऊपर सवार हुई है। तो जब उनके ऊपर दोस्तों कहना चाहेंगे हम कि जब उनके ऊपर सवारी आई देवी जी की तब लोगों को पता चला कि कहाँ से देवी जी आई हुई हैं, तब यहाँ पर देवी जी का मान जान बढ़ा। तो ये बताइए कि जैसे कि देवी जी आँखों की दिख रही है तो ना, अच्छा हाँ सांझ हो गया हाँ थोड़ा शाम हो गया है तो दिखाई नहीं पड़ी जी पहाड़ साहब के ही बाद ना जी ऐसे ही आँख लम्बी लम्बी आँख ना हाँ जी 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 अब तो सब कहा थे खूब चक चक बाबा आई। अच्छा अच्छा ऐसे ही ऊँच ऊँच भाऊन ब करिया करिया भावे पर बार बा ऐसे ही माथ बाबा चक चक बात ऐसे और ये कैठा नाई कहा था हम सातक जनी आई है डारी डारी पाते पाते बाटे। अच्छा सात सात लोग हैं सातक बहिन। अच्छा सातों बहन आई हुई हैं और डारे डारे पाते पाते बाटे डारे डारे पाते पाते मतलब कहने का मतलब है जो पेड़ है पौधा है हर जगह यहाँ पे हम लोग यहाँ टहल रहे हैं इस गांव के अंदर ये कहना है आपका।